कि आया मौसम दोस्ती का। हेलो एंड वेलकम बैक टू रिजॉल्व रियल स्टेट सॉल्व। आप सोच रहे होंगे मैंने ये गाने से शुरुआत क्यों करी, क्योंकि पूना में दोस्ती ग्रुप ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्ती ग्रुप, जो उनका टैगलाइन है बेसिकली, वो ये यूज़ करते हैं हर जगह नए प्रोजेक्ट जाने के पहले। तो दोस्ती ग्रीनस्केप करके ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 and 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अंदर चलेंगे और इसके मॉडल को समझेंगे, इसके सैम्पल फ्लैट को समझेंगे। उसके पहले मैं आपको इनके मुंबई के कुछ प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। शायद ही कोई मुंबई गया हो और ये रिसर्च बैकग्राउंड रिसर्च किया हो इस बिल्डर के बारे में, तो ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप इसको देख लीजिए, इनके प्रोजेक्ट समझ लीजिए और थोड़ा बहुत इनका बैकग्राउंड देख लीजिए। अब मैं आपको इसके लोकेशन के बारे में बताता हूँ। ये हड़पसर का लैंड पार्सल है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो रोड सामने से आ रही है, ये आपका फातिमा नगर की तरफ से आ रही है। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे और एक हार्ड राइट लेंगे तो आप बीटी कवड़े रोड सोपान बाग की तरफ से होते हुए मुंडवा की तरफ निकल जाएंगे एंड देन कोरेगांव पार्क। अगर आप स्ट्रेट जाओगे, राइट टर्न नहीं करोगे, तो आप स्ट्रेट फातिमा नगर को क्रॉस करते हुए कैंप की तरफ निकल जाओगे। और इस तरफ की अगर मैं रोड की बात करूं, ये हड़पसर सोलापुर हाईवे है, और इस तरफ के रोड की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप अगर स्ट्रेट जाओगे तो मांजरी निकल जाओगे हड़पसर से होते हुए, एंड इफ यू टेक ए हार्ड लेफ्ट तो आप मगरपट्टा से होते हुए मुंडवा को क्रॉस करके आप अगेन खराड़ी की तरफ निकल जाओगे। तो इसको हड़पसर बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये राउंड अबाउट ईस्ट पूना में, थोड़ा सेंट्रली ईस्ट एंड साउथ पूना में सेंट्रली लोकेटेड है, एंड कनेक्टिविटी वाइज जो मैंने आपको अभी दिखाया तो ये काफी अच्छा है। अभी हम अंदर चलेंगे और प्रोजेक्ट का मॉडल देखेंगे, एलिवेशन देखेंगे और इसके सैंपल फ्लैट को भी समझेंगे। तो चलिए अंदर चल के समझते हैं इसके मॉडल और सैंपल फ्लैट को। लोकेशन समझाने के बाद अब मैं आपको इसके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना चाहूंगा। 12 acre का लैंड पार्सल है, मगर रेसिडेंशियल सिर्फ 8 acre में हो रहा है। इसके इस तरफ 4 acre का जो लैंड पार्सल है, इसमें 1 acre का कमर्शियल है, जिसमें शॉप्स एंड ऑफिस स्पेस आएंगे। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट उसके बैक साइड का जो 3 acre है, बिल्डर ने गवर्नमेंट को फॉर एमिनिटी स्पेस, एज एन एमिनिटी स्पेस दे के रखा हुआ है। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्रोजेक्ट में महाड़ा नहीं आएगा। अब आप प्रोजेक्ट मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए क्या क्या इधर पे है। सो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर में आपका एमिनिटी रहेगा, पोडियम में आपकी एमिनिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 acre का आपका ओपन स्पेस है फॉर एमिनिटी। ये जो आप पैचेस देख रहे हो, दीज आर टावर्स, और टावर्स मतलब इन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्लोर प्लान के हिसाब से बताया है। तो ये आपका टावर्स हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट रहेंगे, और यहाँ पे इन्होंने 3 tower लॉन्च कर दिए हैं, A1, B1 एंड कैस्केड। होराइजन विच इज़ टावर A1, ओएसिस विच इज़ टावर B1 एंड देन टावर कैस्केड। फेज वन में अभी इन्होंने से, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलप होगा तो फेज वन में ये 3 towers इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे। फेज वन के साथ आपको इतनी एमिनिटी बन के मिल जाएगी, बाकी सारी एमिनिटी आपकी फेज टू में। तो अगर एमिनिटी की भी बात कर ले तो आपको डबल क्लब हाउस दिख रहा होगा, आपको एक बड़े साइज का स्विमिंग पूल दिख रहा होगा, मल्टीपर्पज एरिया और स्पोर्ट्स एमिनिटीज आपको बहुत क्लियर दिख रही होगी, गार्डन ओपन स्पेसेस आपको पूरे क्लियर दिख रहे होंगे। तो एमिनिटी काफ़ी अच्छे से बिल्डर डिवाइड बना के दे रहा है। फर्स्ट एंट्री एग्जिट गेट पॉइंट दैट साइड, सेकेंड एंट्री गेट पॉइंट ऑन द बैक साइड, एंड एक एंट्री एग्जिट आपकी यहाँ से रहेगी। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, स्मार्ट कार्पेट ऑफ 2 BHK, 475 का एवरेज साइज है। ईस्ट वेस्ट मतलब आपको फ्रंट एंड बैक दोनों फेसिंग मिलेगा, फ्रंट बैक इन द सेंस एमिनिटी और सिटी फेसिंग दोनों मिलेगा। 2 BHK एवरेज 680 कारपेट एंड 780 कारपेट, वो भी आपको एमिनिटी एंड सिटी जैसा आपको फेसिंग चाहिए दोनों मिलेगा। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि बड़े कारपेट वाले को एमिनिटी मिलेगी और बैक फेसिंग वालों को सिटी पॉइंट ऑफ। एंड जिनका थर्ड टावर है, दिस थर्ड टावर इज अगेन ऑफ 3 BHK, अगेन 2 variation, 924 कारपेट एंड 1080 कारपेट।
अभी हम जो सैम्पल कार्ड देखेंगे वो 924 कारपेट का देखेंगे और उसी को एक्सप्लेन करते वक्त 1082 का भी मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। टावर बनने के बाद कुछ इस तरीके से रहेगा एलिवेशन, तो जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड पोडियम लेवल तक आपकी पार्किंग है एंड देन 21 फ्लोर्स ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। तो चलिए चल के सैम्पल फ्लैट देखते हैं। सो अब मैं आपको 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा जिसका कारपेट 924 स्क्वायर फीट का रहेगा और इसी फ्लैट को एक्सप्लेन करते वक्त इसका जो बड़ा वर्जन है 1082 उसका भी डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्मार्ट 3 BHK सुन के 924 सुन करके आप ये मत समझो कि ये 2.5 BHK है, ये प्रॉपर 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ में है। सबसे पहले अंदर आते वक्त मैं आपको बता दूं, जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं लॉबी का, अंदर आने के बाद लेफ्ट का जो जाता है ये ऐसा नहीं रहेगा, लॉबी आपकी फ्रंट से रहेगी सामने से, मतलब कि यहाँ पे आपका डेड वॉल आ जाएगा, आपकी एंट्री एग्जिट सामने से रहेगी। सो ये जो यहाँ पे एंट्री एग्जिट है ये नहीं रहेगी, यहाँ पे वॉल आ जाएगा, एंट्री एग्जिट आपका यहाँ से रहने वाला है। किचन हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम इसका लेआउट समझ लेते हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं एल शेप का लेआउट है, लिविंग सेपरेट डाइनिंग सेपरेट, बटरफ्लाई लेआउट है अगेन, यानी कि एक रूम आपका इस तरफ बाकी दोनों बेडरूम उस तरफ। लिविंग रूम की बात करूं 17x10 का साइज है, अगर यही 1082 कारपेट होता तो ये 19x11 का साइज होता। डाइनिंग आपका सेम रहेगा वेदर यू गो फॉर 1082 कारपेट और यू गो विद दिस कारपेट 924 कारपेट। सामने आपकी बालकनी आ जाती है एंड हाँ, अंदर आने के पहले मैं दिखा दूं आपको कि डाइनिंग टेबल कितने आराम से सेटल है, कितने आराम से सेट हो चुका है, यहाँ पे आराम से 5 लोग आ सकते हैं। लिविंग रूम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं बड़े साइज का सोफा है, एक सोफा सेट दोनों तरफ में, मतलब फुल साइज का एक सोफा सेट है विद सेंटर टेबल, TV, फर्नीचर, इंटीरियर, स्पेस की कमी नहीं है। इवन थोड़ा सा पीछे आप हो जाइए, थोड़ा सा और एकदम एंड पे जाइए, लॉबी की तरफ चले जाइए और आपको वहां से मैं दिखाऊंगा स्पेस, आप यहाँ पे देखो कितना ज्यादा बच रहे हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरफ में आपके बालकनी आ जाता है, तो फटाफट बालकनी देख लेते हैं, एज इट इज कवर्ड रहने वाली है और जो आपको व्यू मिलेगा अगर आप ईस्ट साइड में हो या वेस्ट साइड में हो तो वो मैं व्यू स्क्रीन पे चला दे रहा हूं, आप देख सकते हो आपको क्या व्यू मिलने वाला है। व्यू देखने के बाद अब मैं आपको इसका किचन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ से वॉल नहीं रहेगी, इसलिए इन्होंने डाइनिंग टेबल वहाँ पे रखा हुआ है, आपकी एंट्री एग्जिट यहाँ से रहेगी, पैरेलल प्लेटफॉर्म रहेगा, स्लैब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो किचन में अंदर जाके उसको समझ लेते, आ जाइए। सो ये आपका किचन रहेगा, अगर आप 1082 के साथ जाओगे तो इसका साइज 2 फीट से बढ़ जाता है और जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था वेदर यू गो विथ एनी ऑफ द कारपेट, आपका एंट्री एग्जिट यहाँ से रहेगा तो आपका स्लैब इतना कम हो जाएगा, बाकी आपका पैरेलल प्लेटफॉर्म से स्लैब दोनों तरफ रहेगा। बिल्डर ने बहुत अच्छे से हेविली किचन को मॉडिफाई करके दिखाया है कि आप अपने अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर, हॉब, चिमनी, मॉड्यूलर कैबिनेट्स, लॉफ्ट, ऑल योर मॉडर्न अप्लाइंसेस, सारी चीज़ें इसमें लगा के दिखाई कि किचन आपका कितना वेल इक्विप्ड हो सकता है। और एडिशनली यू हैव अ सेपरेट ड्राई बालकनी, ड्राई बालकनी में आपका वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर दोनों बड़े आराम से अकोमोडेट हो गया है। ये जिस तरीके से ये दरवाज़ा है यहाँ पे भी आप थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का ड्राई एरिया है बट यूटिलाइजेशन वाइज कोई कम नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है तो आप यहाँ पे अपने कैबिनेट्स भी लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपका सेम एज इट इज क्वार्ट्ज का रहेगा विद सिंक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे दिखाया हुआ कुछ और है और जो चेंजेस हैं वो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ। अब हमने ये सारी चीज़ें तो समझ ली और 1082 और 924 जो फ्लैट हम देख रहे हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन और डिफरेंस भी समझ लिया, अब बाकी बेडरूम्स में क्या डिफरेंसेस है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 12x10 का फर्स्ट बेडरूम आ जाता है और गेस्ट बेडरूम आ जाता है।
बेड का साइज आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है। आपका 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, फिर भी यूसेज स्पेस अच्छा है। फर्नीचर यहाँ भी लगा हुआ है, सॉर्ट ऑफ वर्क स्टेशन छोटा सा बनाया है इन्होंने, फिर भी स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा है, ओपन स्पेस अच्छा दिया है। विंडो के बारे में बात करें तो आपका विथ मॉस्किटो मैश आता है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड ये फुल लेंथ का रहेगा, नीचे फिक्स रहेगा, ऊपर में मूवेबल पोर्शन रहेगा विथ मॉस्किटो मैश। सो सनलाइट वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, योर हाउस विल बी वेरी वेल लिट एंड वेंटिलेटेड। इस तरफ में इसका अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम भी स्टैंडर्ड साइज का है, क्योंकि 924 में इन्होंने बैठा दिया है, फिर भी साइज कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा है। सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग की बात करूं तो आपका जैगवार और इक्विवेलेंट ब्रांड्स का रहने वाला है। टाइल्स की मैं बात करूं तो टिल यहां तक आपका 7 फीट हाइट तक रहने वाला है। सिरामिक और एंटी स्किड टाइल्स आपको सेम सिमिलर मिलने वाली है, जो आपको एक्चुअली मिलने वाला है, जैसा टाइल्स आपको एक्चुअली मिलने वाला है। ये टाइल्स तो ठीक है चलिए, बट जैसा आपको एक्चुअली मिलने वाला है वो मैं शॉर्ट रन कर दे रहा हूँ, आपको आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको जो फ्लैट डिलीवर होगा तो क्या एग्जैक्ट चीज़ मिल रही है। अब अंदर चल के इसके बाकी दोनों बेडरूम को भी देख लेते हैं। सो डाइनिंग, लिविंग, बालकनी, किचन हमने सब कवर कर लिया, फर्स्ट बेडरूम कवर कर लिया। इस तरफ हम फटाफट आएंगे और देखेंगे कि ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। 11x9 का साइज है, किड्स बेडरूम के लिए परफेक्ट है। ओके, वॉल एक्चुअली यहाँ तक है 2 फीट और आगे की तरफ है। आप क्योंकि ये वार्डरोब स्पेस है तो आप रूम को इतना ही एज्यूम मत कीजिए, वॉल अंदर तक है, मतलब ये वार्डरोब इन्होंने बनाया हुआ, मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। तो 2 फीट का वॉल अंदर तक जा रही है, तो आप इसको इतना मत समझो, ये वार्डरोब है। यहाँ पे सेम आपका विंडो रहेगा, विंडो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए रूम काफ़ी अच्छा है। वही अगर आपका ये 1082 का वेरिएशन होता तो ये 11x10.4 का हो जाता। इस तरफ में इसका कॉमन वॉशरूम, वॉशरूम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस समझाने की जरूरत नहीं, बस साइज के लिए हमने एक मैं आपको दिखाना चाहता था। एंड फाइनली आपका मास्टर बेडरूम, जो कि 13x10 साइज का है, इन 924 कारपेट, यही 1082 में ऑलमोस्ट 15x11 का हो जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे है, 13x10 में भी अगर मैं बताऊँ तो 2 फीट का वार्डरोब स्पेस क्लियर आपको दिख रहा होगा, बेड भी बिग साइज का है, फर्नीचर भी एक्स्ट्रा है, फिर भी हर तरफ से स्पेस अच्छा है, कॉम्पैक्ट नहीं है। विंडोज़ भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 924 में इन्होंने वाकई काफ़ी अच्छे से फ्लोर प्लान को यूटिलाइज़ किया है, वरना 924 में हमने यूजली या 950 तक में भी हमने सिर्फ 2.5 BHK देखा है, बट ये प्रॉपर 3 BHK इन्होंने सेटअप किया है। हो सकता है वीडियो में आपको इतना क्लियर ना दिख रहा हो, सामने से आके इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, सिर्फ वीडियो में देख करके नहीं, सामने भी एक बार आकर के इस फ्लैट को देख करके जाओ। अंदर की चले तरफ फाइनली आपका अटैच मास्टर वॉशरूम, यूटिलाइजेशन वाइज काफ़ी अच्छा है, वॉशरूम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस दिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ साइज़ आप चेक कर सकते हो। सो ओवरऑल 924 कारपेट एंड 1082 में डिफरेंस हर जगह में 1 या 2 फीट का है। लेआउट सेम रहेगा, लिविंग डाइनिंग एल शेप, बेडरूम्स बटरफ्लाई काइंड ऑफ, सिर्फ डिफरेंसेस आपके 1-2 फीट के हर रूम में आ जाते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम जैसा 12x10 था 13x10 मिलेगा, लिविंग हॉल 17x10 था आपको 19x11 मिलता है, डाइनिंग 7x4.6 था आपको ऑलमोस्ट 7.5x5 का मिलेगा, किचन 10x7 हमने देखा 12x7 मिलेगा, मास्टर बेडरूम ऑलमोस्ट 15x11 का मिल रहा है जो 13x10 है, किड्स बेडरूम 11x9 का है जो आपको 11x10 का मिलेगा, एंड बालकनी का डिफरेंस बताना भूल गया, बालकनी आपकी 4.6 की है, आपको 5.5 की मिल जाएगी। सो हर जगह पे एक एक फिट अगर कम किया तो पूरे 120-130 फिट का डिफरेंस आ जाता है। फ्लैट अच्छा है, सामने से देखिए, अगर आपको ये वाला 982 सफिशिएंट लगता है तो यू कैन ऑलवेज गो विद दिस, अगर आपको 1082 मतलब इससे बड़ा साइज चाहिए तो यू कैन गो विद 1082।
वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें, कैब्स आ जाएगी आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।